कलियां बन के गिर जाती है, फ्लावरिंग बनने से पहले ही कलियां हमारी गिर जाती है, फूल हमारे बन नहीं पाते हैं। तो कलियां मैं अपने प्लांट्स को देती हूँ और ये बहुत ही ठंडा होता है ये फर्टिलाइज़र, और हमें अपने इस प्लांट को देना जरूरी होता है। खुशी गुड लाइफ अपराजिता का प्लांट बहुत ही शुभ माना जाता है घर में लगाना, और इसमें अगर आप इस तरह से ढेर भर के फ्लावरिंग चाहते हैं कि हमारे प्लांट पे इतनी ढेर भर के इस पे फ्लावरिंग हो, तो इस प्लांट को कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, मैं इस प्लांट को सबसे बेस्ट और सबसे ठंडा फर्टिलाइज़र देती हूँ जो कि इस प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके फूल पाने के लिए जो इतने ढेर भर के फूल आते हैं, कई बार ऐसे होता है कि हमारे प्लांट पे कलियां आती है और कलियां बन के गिर जाती है, फ्लावरिंग बनने से पहले ही कलियां हमारी गिर जाती है, फूल हमारे बन नहीं पाते हैं। तो कलियां बनने से और फ्लावरिंग ख़त्म होने तक मैं इस प्लांट को क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले देखिए, मैंने इसको बीज से ग्रो नहीं किया है, मैंने तो किसी से लिया था, ये फ्री का प्लांट है मेरा, और फ्री के प्लांट से मैंने इतने सारे प्लांट ये बना लिए हैं। तो आप इसको या तो बीज से ग्रो कर सकते हैं या फिर किसी से ले सकते हैं आप इसको, नहीं तो फिर आप नर्सरी से ला सकते हैं। एक बार आप इस प्लांट को ले आएंगे तो हमेशा आपके गार्डन में इस तरह से फ्लावर की कमी नहीं होगी। तो देखिए, लगाने की हो गई है बात, और फिर ये होता है। दूसरी बात है, इस प्लांट को आपको क्रीपर, ये क्रीपर एक प्लांट है, तो आपको इसको किसी सहारे की ज़रूरत होती है। इस प्लांट को जैसे देखिए मैंने उस तरह से ऊपर चढ़ाया हुआ है, ये मेरी दो वाइन लगी हुई है, एक है मधुमालती की और एक है ये अपराजिता की, तो दोनों को मैंने चढ़ाया हुआ है। जब इसकी ये टिप्स आती है तो इसको आप प्लांट के अंदर ही इस तरह से या तो लपेट दीजिए, तो अपने आप ही लिपट लिपट के ये अपने आप ही वैसे तो जगह बना लेता है। और मैंने तो यहाँ ग्रिल पे चढ़ाया हुआ था, लेकिन हवा की वजह से ये सारा प्लांट इधर आ गया, और आप इसको देख सकते हैं, ये वाला जो प्लांट है मेरा अलग है, और ये वाला आप देखिए बाल्टी में जो लगा हुआ है, वो 20 लीटर की बाल्टी उसमें अलग लगा हुआ है, आप देख सकते खुद। और इस वाले छोटे से प्लांट पर आप देख सकते हैं, ना तो इसकी ज़्यादा हाइट है और ना ज़्यादा इसकी लेंथ हो रही है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से बांधा हुआ था। तो आप इस तरह से किसी भी सहायता से इसको लपेट दीजिए, बस आप एक बार लपेट देंगे तो ये अपना आप ही लिपटता चला जाता है। और ये हाइट पे जाना बहुत अच्छा होता है ये प्लांट, क्योंकि हाइट पे जाते हैं तो वो फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होती है और अच्छा भी होता है ये हाइट पर। अगर इसको हम रखते हैं प्लांट को ऊपर की साइड, कोई भी बेल हो तो ऊपर की साइड चढ़नी बहुत अच्छी होती है। जब हम बेल को लगाते हैं तो हमें उसको सहारे की ज़रूरत देनी पड़ती है। और देख सकते हैं छोटा सा मेरा ये प्लांट है और इतनी सारी ढेर भर के फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ मैं आपको बताऊँगी वीडियो में, पहले मैं आपको और प्लांट दिखा देती हूँ। प्लांट को लगाया है किसी से लेके, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मेरे ये प्लांट्स लगे हुए हैं और इतनी ये फ्लावरिंग कर रहा है, हर बार इतनी ढेर भर की फ्लावरिंग होती है इसके अंदर। और ये देखिए, ये यहाँ पे भी मेरा अलग लगा हुआ है प्लांट, और ये वाला भी जो है ये अलग लगा हुआ है, और इसको मैंने चढ़ाया हुआ है, ये देखिए इसको भी मैंने ऊपर चढ़ाया हुआ है, ऊपर तक गई हुई है, देख सकते हैं आप ऊपर वहाँ तक, छत के ऊपर तक गई हुई है। और फ्लावरिंग आप देख सकते हैं कितनी इसमें फ्लावरिंग हो रही है, ऊपर तक फ्लावरिंग हो रही है, और आप देखिए वहाँ पर भी फ्लावर खिले हुए, तो पूरी बेल पे इस पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ, ठंडा फर्टिलाइज़र हमें इसे अपनी प्लांट को देना चाहिए, जो कि सितंबर के महीने में फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं कौन सा फर्टिलाइज़र इस प्लांट को देती हूँ। और ये देखिए एक हो रहा है मेरा, ये छोटा सा प्लांट है, ये एक टोकरी में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इसी के अंदर वॉन्डरिंग जू है, और इसी के अंदर ये प्लांट लगा हुआ है, इस पर भी इतनी ढेर भर की फ्लावरिंग हो रही है। इसको मैंने ऊपर चढ़ाया नहीं है, क्योंकि इसको बार बार मुझे उठाना पड़ जाता है बास्केट को, तो इसको मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जब इसको ऊपर इस तरह से हम बांधेंगे तो ऊपर की साइड ये चला जाएगा और बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करता है। तो चलिए देखते हैं फर्टिलाइज़र, ये है बनाना पील फर्टिलाइज़र, मैं अपने प्लांट्स को देती हूँ।
और ये बहुत ही ठंडा होता है ये फर्टिलाइज़र, और हमें अपने इस प्लांट को देना ज़रूरी होता है कि नहीं तो ना तो इस पे ये कलियां गिरेगी इस प्लांट को पाने ये देने से, और ना ही हमारे ये प्लांट की पीली पत्तियां होगी। कई बार ऐसा होता है कि पीली पत्तियां भी हो जाती है हमारे प्लांट्स की और कलियां भी गिर जाती है, तो वो सब नहीं होगा। आपको सिर्फ केले के छिलके लेने हैं और रात भर इसको भिगो के रखना है, और दूसरे दिन इसका पानी डाइल्यूट करके आप इस प्लांट को दे सकते हैं। तो इस तरह से ढेर भर के फ्लावरिंग होगी हमारे प्लांट में और पत्तियां पीली नहीं होगी। आप देख सकते हैं कोई भी मेरे प्लांट की पत्तियां पीली नहीं है। एक फ्रेंड का क्वेश्चन था कि मेरे अपराजिता के प्लांट पे पत्तियां पीली हो जाती है और झड़ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो एक कारण होता है कि हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब हमने एक बार इसकी प्लांट की फ्लावरिंग शुरू हो गई है तो उसके बाद हमें इस प्लांट की छेड़छाड़ नहीं करनी है, ना ही कोई रूट में गुड़ाई वगैरह करनी है। सिर्फ आपको इसको ठंडा फर्टिलाइज़र देना है। प्लांट की फ्लावर आने से पहले आपको ये काम ज़रूर करना है कि इसमें गुड़ाई कर देनी है, और फिर इसमें खाद वगैरह जो आप देते हैं वो दे सकते हैं, चाहे आप कंपोस्ट देते हैं चाहे आप गोबर की खाद देते हैं तो वो दे सकते हैं। और फ्लावरिंग होने के बाद आपको ये काम करना है कि ना तो इस प्लांट में कोई गुड़ाई करनी है ना कोई इसको खाद देनी, सिर्फ इसको एक ठंडा फर्टिलाइज़र ज़रूर देना है जो कि हमारे फ्लावर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस तरह से आप ढेर सारी फ्लावरिंग चाहते हैं तो सिर्फ आपको एक बेस्ट फर्टिलाइज़र इसको देना है, और उसके बाद हमारे ये प्लांट पे कलियां भी बनेगी और फ्लावरिंग भी खिलेगी इतनी ढेर भर के। तो हमारे प्लांट की ये सारी जानकारी है, और आप इसको बीज से लगा सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि बीज से कैसे लगाना है। ये देखिए ये हमने बीज ले लिए हैं, ये पिछले साल के ही लगे हुए हैं, इतने सारे ये बीज अभी तक लगे हुए हैं, मैंने तोड़े भी नहीं है, और बहुत सारे तो मांग मांग के भी ले जाते हैं तो मैं दे देती हूँ। और ये देखिए ये हमने ले लिए हैं बीज और मिट्टी में इस तरह से हमें डाल देना है। ये देखिए डाल के इसको आपको यहाँ पे हमने मिट्टी में डाल दी थी, ये देखिए डाल दिए, और इसको हल्का सा यहाँ पे मिट्टी में दबा देना है इस तरह से। आप एक बीज मत डालिए, आप पूरी फली दो तीन फली डाल दीजिए। अगर आप बिगनर हैं आपसे लग नहीं पा रहे हैं तो आप पूरी दो तीन फली को डाल दीजिए, उसमें कम से कम दो तीन प्लांट या तीन चार प्लांट तो ज़रूर निकलेंगे। तो इस तरह से हमें डाल देना है और मिट्टी से हमें थोड़ा सा कवर कर देना है उसी बीज को, नहीं तो फिर आप इसको थोड़ा सा मिट्टी डाल दीजिए ऊपर से। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो थोड़ी सी मिट्टी लीजिए इस तरह से, और ये मिट्टी इस तरह से प्लांट के ऊपर बीज के ऊपर डाल दीजिए। सॉरी, तो ये हमारे बीज लग गए हैं, और बीज लगने के बाद हमारा प्लांट ये देखिए यहाँ पर अपने आप ही ये ग्रो हुआ है। ये देख सकते हैं इतनी बड़ी इसकी ये ग्रोथ हो गई है। तो प्लांट बीज लगाने के बाद आपको छेड़खानी भी नहीं करनी है, सिर्फ बीज लगाइए और 10-15 दिन में ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो ये तो कम से कम हो गया है महीने का, एक महीने तक का प्लांट है ये वाला। ये भी मैंने बीज डाले थे और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो ये उसी का ये प्लांट निकला हुआ है। तो इसी तरह से हमारे ये जो वाइन है ये ग्रो होती है। इसकी जो टिप्स होती है ऊपर बढ़ती जाती है, तो आपको क्या करना है, इस प्लांट को किसी के सहारे बांध देना है या किसी प्लांट के साथ में ऐसे लपेट दीजिए। ये देखिए मेरा गुड़हल का भी प्लांट है और यहीं पे ये अपराजिता की बेल है, तो अपने आप ये लिपटती चली जाती है, और देखिए हाइट पर भी जा रही है। क्योंकि मुझे ये चढ़ाना नहीं है इसलिए मैं इसको बांध नहीं रही हूँ, मैंने सिर्फ दो बेल बांधी हुई है, एक यहाँ पर बांधी हुई है और एक वहाँ पे मैंने इसको बांधा वायरस से की उसकी सहायता से। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, और देखिए यहाँ पे भी इतनी फ्लावरिंग हो रही है, जो भी मेरे अपराजिता के प्लांट है सब पे फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखिए इसकी ग्रोथ भी यहाँ पे गई हुई है, तो ये अपने आप ही जगह बना लेता है। और ये है बोगनविला का प्लांट है, इसके साथ में ये लिपटती चली जा रही है, तो इस तरह से अपने आप ही लिपट जाएगी। आपको सहारे हल्का सा सहारा देने की ज़रूरत है, तो बस अपने आप ही ये लिपटती हुई चली जाती है। देखिए इस तरह से इसको लपेट देना है, और ये देखिए अपने आप ही लिपटती हुई जा रही है, हल्का सा सहारा देंगे तो अपने आप ही ये कवर कर लेती है अपने आप। ये देखिए, तो इस तरह से आप इसको लपेट दीजिए और ढेर भर के फ्लावरिंग आएगी। सिर्फ एक फर्टिलाइज़र का आपको ध्यान देना है, और देखिए इस तरह से सुंदर सुंदर इसके फ्लावर आते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।